माँ लक्ष्मी को ये 7 फूल चढ़ाएं, धन और आशीर्वाद पाए। माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। वे जिस पर अपनी कृपा बरसा दें, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। देवी लक्ष्मी को कुछ फूल बेहद प्रिय होते हैं। दिवाली में उन फूलों को माँ लक्ष्मी को अर्पित करने से शुभ संकेत मिलते हैं। आइए जानते 7 फूलों के बारे में। पहला फूल है जो माँ लक्ष्मी को पसंद है, कमल। दिवाली में माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करने से माँ लक्ष्मी को यह फूल बेहद प्रिय होता है। दूसरा फूल है कनेर फूल। माँ लक्ष्मी को कनेर का फूल भी बेहद प्रिय होता है। ऐसे में दिवाली के शुभ अवसर पर माँ को यह फूल अर्पित कर सकते हैं। तीसरा फूल है गेंदा। गेंदा फूल महालक्ष्मी और श्री विष्णु भगवान को बेहद ही पसंद होते हैं। ऐसे में आप पूजा करते समय में आप भगवान विष्णु और दूसरों को यह फूल यानी कि गेंदा को फूल अर्पित कर सकते हैं। चौथा फूल है पलाश का फूल। दिवाली के दिन पलाश का फूल से महालक्ष्मी और विष्णु भगवान का पूजन करें। इसके बाद वह फूल अपने धन के स्थान पर रखें। इससे धन का आगमन हमेशा बना रहेगा। घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। पांचवा फूल है गुड़हल का फूल। माँ लक्ष्मी को लाल कलर का गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिया लगता है। उनको शुक्रवार का दिन में अगर आप गुड़हल का फूल माँ लक्ष्मी माता को पूजा के दौरान अर्पित करते हैं तो आपके घर में धन संपदा हमेशा हमेशा बने रहेगी। सट्टा पहले लाल गुलाब। लाल गुलाब की सुगंध से ही माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती है। यह लाल गुलाब फूल महालक्ष्मी माता को अर्पित करने से ही शुक्र ग्रह मजबूत हो जाते हैं और भौतिक सुख की प्रति हमेशा बने रहती है। सातवां फूल सफेद कनेर का फूल। अगर आप माँ लक्ष्मी माता को पूजा के दौरान सफेद कलर का फूल अर्पित है तो घर में सुख शांति आती है और साथ ही साथ तनाव से मुक्ति मिल जाती है। यह फूल धन का अभाव भी कम करता है और माँ लक्ष्मी का हमेशा कृपा आप पर बना रहे तो उनको पसंद करने के लिए हमेशा उनका फूल अर्पित करते रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।